नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। अयोध्या में बन रहे भगवान राम के भव्य मंदिर का काम लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। मंदिर के हर पहलू पर ध्यान रखते हुए काम को तेजी के साथ बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि जल्द से जल्द करोड़ों राम भक्तों का दर्शन करने का सपना पूरा हो सके। और पिछले कुछ दिनों में राम मंदिर के काम ने जो तेजी पकड़ी है, उससे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोग भी खुश और संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जी हां, राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के मंदिर निर्माण के लिए खोदी गई नींव के ग्राउंड इंप्रूवमेंट का कार्य अब गति पकड़ चुका है। कार्यदायी संस्था LMT ने इंजीनियर फिल मेटेरियल की चौथी लेयर डालने का काम तेजी से पूरा कर पांचवी लेयर बिछाने का काम सोमवार को शुरू कर दिया। रविवार को छुट्टी होने के कारण काम बंद था। संस्था ने निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए राजस्थान की मैसर्स बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को अपना सहयोगी पार्टनर बनाया है। हालांकि अभी बालाजी कंपनी का काम शुरू नहीं हो पाया है, फिर भी उसके पहले LMT ने 8 घंटे के बजाय काम की अवधि को 12 घंटे कर दिया है, जिसके चलते काम की गति कई गुना बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि दिन की कड़ी धूप में काम की गति धीमी रहती है, वहीं शाम होते होते गति बढ़ जाती है और काम करने वाले श्रमिकों को आराम रहता है। यही कारण है कि जब पहली और दूसरी लेयर डालने में 10-10 दिन का समय लगा, वहीं चौथी लेयर का काम महज 2 दिन में ही पूरा हो गया। काम की इस गति से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी भी संतुष्ट हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने साइट विजिट कर निर्माणाधीन कार्य का अवलोकन किया और LMT के इंजीनियरों की पीठ भी थपथपाई। मेसर्स बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से स्थापित किए जा रहे कंक्रीट संयंत्र का कार्य भी अंतिम दौर में है। LMT की ओर से चयनित बालाजी कंपनी के तयशुदा एग्रीमेंट के मुताबिक इंजीनियर फील्ड मटेरियल से संबंधित सभी आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति अलग से लेगी और निर्धारित कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा कराएगी। फिलहाल कंपनी अभी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। इस कंपनी का परिसर में ऑफिशियल कार्य शुरू हो चुका है। दरअसल राम मंदिर के लिए खोदी गई नींव 400x250x40 फीट है। इस नींव में ग्राउंड इंप्रूवमेंट का कार्य निर्माणाधीन अवस्था में है। बरसात में काम अप्रभावित रहे, इसके लिए ग्राउंड के चारों ओर की दीवारों पर प्लास्टिक सीट लगाने की योजना है। इस योजना के तहत करीब 1,00,000 वर्ग फीट प्लास्टिक आ गई है, जिसे राम जन्मभूमि ट्रस्ट को उपहार में भेजा गया है। इस शीट को ग्राउंड के चारों ओर बिछाकर आंधी पानी में उड़ने से रोकने के लिए सैंड बैग के नीचे दबाया जाएगा। LMT ने इसके लिए हजारों की संख्या में सीमेंट की खाली बोरियों में मिट्टी भरने का काम शुरू कर दिया है। ये बोरियां कुबेर टीला के पास पहले से डंप की गई नींव से निकली मिट्टियों से भरी जा रही हैं। तो इस तरह से राम मंदिर के काम ने एक साथ तेजी पकड़ ली है, जिससे लग रहा है कि इस भव्य मंदिर का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।